यहाँ पे जित बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से फॉरनर। ये जो गेट है यहाँ पे वो विश्व शांति स्तूप जो पहाड़ के ऊपर है वहाँ जाने का ये वाला गेट है। तो लगभग 120 रुपया पर पर्सन है आई थिंक। गौतम बुद्ध जब बोध गया थे ज्ञान प्राप्ति उनकी हुई थी उससे पहले यहाँ पे आए थे और लगता है कि 6 साल यहाँ पे प्रार्थना किए थे। तो भाई जब ऊपर में आप आएंगे ना तो ये देखो क्या व्यू है भाई। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग घोड़ा कटोरा से वापस आ गए थे और फिलहाल वापस आने के बाद ये गोल चक्कर है ना आपको सामने से घोड़ा कटोरा चलना है। फिलहाल अभी आए हैं, ये जो गेट है ना यहाँ पे वो विश्व शांति स्तूप जो पहाड़ के ऊपर है वहाँ जाने का ये वाला गेट है और इसी गेट से अंदर आप जब जाएंगे तो रोपवे का यहीं से आपको टिकट लेना होगा। देखिए है ना अंदर में टिकट काउंटर है। तो लगभग 120 रुपया पर पर्सन है आई थिंक। और ये सब जो देख रहे हैं ना अभी बिल्डिंग अभी बन रहा है। तो फिलहाल पैदल हम लोग चलेंगे और पैदल का रास्ता जो है ना आगे से चल के सामने से और लेफ्ट चलना है। तो फिलहाल चलिए और जो भी होगा विश्व शांति स्तूप। और एक बात आपको बता देते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जब बोध गया थे ज्ञान प्राप्ति उनकी हुई थी उससे पहले यहाँ पे आए थे और लगता है कि 6 साल यहाँ पे प्रार्थना किए थे। तो चलिए वो जगह भी दिखाएंगे उसके बाद फिर शांति स्तूप भी चलेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी गोलंबर के पास तो भाई चलते हैं और सफ़र का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। वैसे सामने आपको दिखाई थे घोड़ा कटोरा जाने का रास्ता है, फिलहाल हम लोग चलेंगे इधर से पैदल चलना है विश्व शांति स्तूपा। तो इस तरफ से रास्ता है, यहाँ पे देखेंगे तो दुकान आपको बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। फिलहाल चलिए। तो भाई इससे पहले लगता है कि 2017 में यहाँ आए थे, बट भाई इतना ज़्यादा मतलब ये सब ना जो बन रहा है अभी नई नई बिल्डिंगें नहीं बन रही थी। तो आए थे वो रोपवे से डायरेक्ट वहाँ चले गए थे विश्व शांति स्तूप। बट पैदल जाने का पर्पस ये है कि जहाँ पे वो उन्होंने प्रार्थना किया था 6 साल या 12 साल इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट वो जगह आपको दिखाने के लिए हम पैदल चल रहे हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं सफ़र को। तो भाई जिस पर्वत पे जिस पहाड़ पे विश्व शांति स्तूप है ना उसका नाम है गिरिधिकुट पर्वत। तो ये बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो चलिए और यहाँ पे अगर आएंगे ना तो बहुत सारी स्टॉल देखने को मिलेगा पूरे रास्ते में, ये देखिए। तो गाइस यहाँ से देखिए जस्ट बगल से ही रोपवे चल रहा है और ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा व्यू ऊपर से भी आता है। बट हम पैदल चल रहे हैं और ये व्यू दिखाते हुए देखते हुए काफ़ी मस्त व्यू है, ये देखिए जस्ट बगल में ही है। बट वो सिंगल वाला जो रोपवे है ना फिलहाल लगता है बंद है। वो बंद है क्या भैया? छोटा बंद है, बड़ा चालू है ना। तो बड़ा वाला चालू है, छोटा वाला फिलहाल बंद है। तो भाई आप व्यू चेक करो, अगर रोपवे से जाते तो शायद ये वाला व्यू आप सबको नहीं दिखा पाते, लेकिन भाई व्यू काफ़ी मस्त आ रहे हैं। देखिए जो पेड़ है ना कितना नीचा पे दिख रहा है, बहुत हाइट पे हैं। तो चलिए और देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो जी फिलहाल पहुंच चुके हैं गिरिधिकुट माउंटेन। भाई हालत ख़राब हो गई चढ़ने में, लेकिन फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पे देखिए गिरिधिकुट पर्वत। बट अभी कंफर्म नहीं है कि प्रार्थना यहाँ पे किए थे या ऊपर में, तो कंफर्म होके आपको बताएंगे इस व्लॉग में। यहाँ पे जित बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से फॉरेनर। और यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो फ्लैग है जो बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। तो भाई जब ऊपर में आप आएंगे ना तो ये देखो क्या व्यू है भाई, इतना सारा फ्लैग लगा हुआ है और हर फ्लैग में ना कुछ डेडिकेट किया हुआ है। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं गिरिधिकुट माउंटेन और इसी जगह पे महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध यहीं पे 6 साल प्रार्थना किए थे। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं भाई फॉरेनर्स। तो
तो और आगे चलना है, और जहाँ पे प्रार्थना किए थे ना वो और आगे है, मतलब हाइट पे है काफ़ी। तो देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड लोग ही आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चलिए ऊपर आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस फ़िलहाल पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यहीं पे गौतम बुद्ध 6 साल तक प्रार्थना किए थे बोधगया जाने से पहले। बोधगया गए, उसके बाद फिर वहाँ पे उनका ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये जगह है, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग आके प्रार्थना करते रहते हैं, बौद्ध रिलीजन से लोग। तो फिलहाल अगर बात करें तो सामने में आपको दिख रहा है विश्व शांति स्तूपा, और उसका रास्ता अगर आपको बताएं तो इधर से है। हम लोग जिधर से आए ना, देखिए हम इधर से हैं, और वहाँ पे एक रास्ता दिखता होगा, वो विश्व शांति स्तूपा जाने का रास्ता है। फिलहाल गाइस व्यू चेक करो, मस्त व्यू आ रहे हैं। ये देखिए सामने वाला पहाड़। तो गाइस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बुद्ध स्तूपा कुछ नज़दीक दिख रहा है, लेकिन भाई हाइट पे है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। हो सकता है स्तूपा नहीं जा पाएँ क्योंकि भाई बहुत टायर्ड हो चुके हैं। फिलहाल आप इस तरफ से आपको व्यू दिखाते हैं, ये देखिए। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा ना, वो घोड़ा कटोरा चला जाता है उधर, भाई बहुत भयानक जंगल है। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं और शांति स्तूप वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, इसीलिए आपको पैदल इधर से लेकर के आएँ ताकि आपको ये वाला व्यू दिखा सकें और बता सकें। तो गाइस जैसे कि आप लोग देखें, अभी हम हैं गिरिकुट माउंटेन पे, और ऐसा बताया जाता है कि बोध गया जाने से पहले यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना किया था 6 साल या 12 साल। बट इसमें भी ना कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे है, यही वो जगह है जहाँ पे वो प्रार्थना किए थे। बहुत लोग मतलब हाँ ना में हैं, बट कितना सही है कितना गलत है अगर आप लोग को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल गाइस अगर राजगीर आते हो और विश्व शांति स्तूप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, बस जस्ट बगल में ही है। तो फिलहाल गाइस वहाँ से निकल गए हैं और अब चल रहे हैं वापस, और गाइस विश्व शांति स्तूप जाते हैं। बट इससे पहले वैशाली में आपको दिखाए हैं, सेम तरीके से बनाया हुआ है, बट गाइस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं जिस कारण उतना हाइट पर जाना, फिर वापस से अभी हम लोग को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है, बिकॉज लिफ्ट का कोई साधन है नहीं, जिस कारण गाइस आप सबको विश्व शांति स्तूप लेकर नहीं जा रहे हैं। बट चलिए और पहले तो दिखाए हैं आपको। तो भाई यहाँ पे देखिए,